सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। वेल, आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम लैपटॉप इंडस्ट्री में दोस्तों ऐसा कुछ जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकता हूँ। दैट मीन्स कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे हो रहा है। और सबसे मजे की बात यह है दोस्तों, फाइनली राइजन 7000 सीरीज के प्रोडक्ट जो है लगभग ऑफिशियली जो है आप लोगों को अनाउंस होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों को मालूम ही होगा दोस्तों कि कुछ दिनों में CES 2023 जो है आप लोगों को ऑर्गेनाइज होते हुए देखने को मिल जाएगा। यूजुअली ऐसा होता है दोस्तों, सारी कंपनीज जो है यहाँ पे CES 2023 में अपने जो है प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो करती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं दोस्तों जो कि उससे ही जो है इवेंट के अनाउंसमेंट से पहले ही जो है यहाँ पे अपने कुछ लैपटॉप्स अनाउंस कर देती हैं ताकि पब्लिक का जो है यहाँ पे अटेंशन वो लोग ग्रैब कर सकें। तो इस बार ये न्यूज है दोस्तों लेनोवो की तरफ से जो है यहाँ पे आप लोगों को आइडिया पैड प्रो सीरीज में जो है दोस्तों इस बार दो लैपटॉप लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएंगे, 14 इंच और 16 इंच। नया नहीं है, पिछले साल भी जो है सेम हुआ था, लेकिन इस बार जो आप लोगों को सीपीयू जीपीयू के कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं ना दोस्तों, वो बिल्कुल पुराने नहीं है, एग्जैक्ट न्यू जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वेल दोस्तों, मैं यहाँ पे जो है इस वीडियो में प्रोसेसर और जीपीयू आपके जो है कितने पावरफुल है उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, उसके बारे में मैं जो है अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इन लैपटॉप्स की प्राइसिंग कितनी हो सकती है। दैट मींस जो राइजन 7000 सीरीज है वो कितने में रुपए में जो है लगभग आप लोगों को बचाने चाहिए कि वो आप जो है वो वाले लैपटॉप जो है यहाँ पे खरीद सके। फॉर द रेफरेंस पर्पस में आप लोगों को यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ। साथ ही में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन से नए हार्डवेयर फीचर्स हैं जो कि स्टैंडर्डाइज्ड आप लोगों को देखने को जो है इस साल देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए एक एक करके जो है यहाँ पे शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं जो है चाहूंगा कि आप लोग जो है इस लैपटॉप को देखें। तो ये जो है दोस्तों इसका 16 इंच वाला मॉडल है, 14 इंच वाला भी मॉडल सेम आपको देखने को मिलेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि नम पैड वहां पर नहीं है और साथ ही में जो यहाँ पे प्रोसेसर है उसके कॉम्बिनेशन बदल जाएंगे और बैटरी साइज जो है छोटा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो प्रीटी मच स्टैंडर्डाइज्ड लैपटॉप है। इनफैक्ट अगर आप देखें 2022 के भी लैपटॉप जो है लगभग सेम ही है। बेजल्स नैरो की बात करें तो लगभग इतने ही बेजल आपको नैरो देखने को मिलेंगे। लेकिन ऊपर का दोस्तों अगर आप लोग यहां पे कैमरा माउंट देखेंगे ना, वहां पे कुछ चीजें इंटरेस्टिंग है जो कि मैं आप लोगों के साथ में वीडियो में थोड़ा आगे यहां पे शेयर करने वाला हूं। तो चलिए इसके स्पेसिफिकेशन पे जंप करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहां पे 14 इंच वाले मॉडल की। नाउ दोस्तों यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं जो है वेबसाइट के द्वारा लगाए गए स्क्रीनशॉट से ही जो है मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। लेनोवो की जो है दोस्तों मुझे यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट नहीं मिली है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अनाउंसमेंट के वक्त जो है सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड के लेनोवो की वेबसाइट पे आ जाए। फॉर एग्जांपल लेनोवो इंडिया की वेबसाइट पे एज ऑफ नाउ कोई डिस्कशन नहीं है। मैंने और भी जो है दोस्तों लेनोवो की नीदरलैंड्स की वेबसाइट देख ली और यूएसए की, इन सबकी वेबसाइट देख ली, वहां पे नहीं है। आई डोंट नो फ्रॉम विच कंट्री दे हैव टेकन दिस स्क्रीनशॉट फ्रॉम, लेकिन जैसे ही आएगा मैं आपको जो है इस वीडियो के नीचे या फिर कमेंट सेक्शन में पिन करके जो है उस वाली कंट्री की वेबसाइट का जो है दे दूंगा। तो बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहां पे 14 इंच वाले वेरिएंट की। तो 14 इंच वाले वेरिएंट में दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहां पे देखें कि प्रोसेसर की जो प्राइसिंग है, प्रोसेसर की जो दोस्तों आप लोगों को वेरिएंट देखने को मिल रही है, Ryzen 5 भी है, Ryzen 7 भी है, HS सीरीज वाले हैं दोस्तों, ठीक है। इनके तीन टाइप के आते हैं, U सीरीज के, H सीरीज, HS सीरीज के, फिर आते हैं दोस्तों यहां पे इनके 45 वॉट वाले फुल फैट एच सीरीज के। तो ये एच एस सीरीज है, 35 वॉट की जो है यहाँ पे आप लोगों को वोल्टेज देखने को मिल जाएगी। ग्राफिक्स की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एनवीडिया की तरफ से अलग से कोई जो है डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को नहीं मिलता है। एएमडी की तरफ से रेडियन 7000M सीरीज वाले ही जो है ग्राफिक कार्ड आप लोगों को देखने को मिलते हैं, विच इज काइंड ऑफ अंडरस्टैंडेबल कंसिडरिंग दिस लैपटॉप इज फॉर द प्रो यूजर्स जो कि थोड़ा बहुत लाइट एंड टास्क करना चाहते हैं। फॉर दोस रियली प्रो पीपल जिनका थोड़ा टास्क हैवी है, उनके लिए 16 इंच वाले मॉडल के स्पेसिफिकेशन डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करने वाले हैं। बात करते हैं दोस्तों यहां पे रैम की। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों 7000 सीरीज जो है फुल फ्लेज्ड DDR5 DDR5X रैम जो है यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। आपको जो है क्लियरली 16GB वाले जो है मॉडल्स देखने को मिल रहे हैं, नो 8GB मॉडल्स हियर। और साथ ही में दोस्तों आप लोगों को स्टोरेज के ऑप्शन में जो है 512 और 1TB ऑफ SSD देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इसके बैटरी साइज की। तो 14 इंच वाले मॉडल में भी आप लोगों को जो है दोस्तों 75 वॉट आवर की जो है बैटरी देखने को मिलती है। ऑडियो फ्रंट में आप लोग देख सकते हैं 2x2 वॉट के जो है डॉल्बी एटमॉस वाले स्पीकर है। कैमरा की बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पे, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ था, यहां पे आपको जो है इस साल देखने को मिलेगा दोस्तों
सारे जो लैपटॉप रेंज है, इनफैक्ट थोड़े बहुत प्रीमियम में आप लोगों को बोलूंगा, वहां पे आप लोगों को फुल एचडी कैमरा देखने को मिलेगा। साथ ही में दोस्तों उसमें आईआर का भी फीचर होगा, दैट मींस जो है आप लोग यहाँ पे विंडोज हेलो में जो है फेस लॉगिन यहाँ पे इजिली कर पाएंगे। और साथ ही में दोस्तों आप लोगों को जो है टीयूएफ सेंसर देखने को मिल जाएगा। और जो है दोस्तों डुअल माइक्रोफोन अरे, ये काफी ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड हो चुका है, कंसिडरिंग आजकल बहुत सारे लोग जो है दोस्तों यहाँ पे वीडियो कॉलिंग ऑडियो कॉलिंग करते हैं। और साथ ही में दोस्तों अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ पे कोई ओलेड पैनल नहीं है। वंस अगेन दिस इज ए वेरी स्टैंडर्डाइज्ड पैनल। फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को एक मॉडल ऐसा है जहां पे आप लोगों को जो है दोस्तों 120 हर्ट्ज का जो है यहाँ पे पैनल देखने को मिलता है। वंस अगेन इट्स 16:10 मॉडल। पिछले साल से दोस्तों अगर हम लोग तुलना करें तो ओवरऑल जो सामने का फॉर्म फैक्टर होता है ना, वो आप लोगों को सेम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों एक और डिस्प्ले वाला मॉडल आप लोगों को देखने को मिलता है जहां पे आप लोगों को जो है 60 हर्ट्ज की जो है रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों यहाँ पे आप लोग जो है इनके जो पोर्ट्स के हैं उनके डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, जैसे कि थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यूएसबी 3.2 जेन 1 टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है। एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो है यूएसबी 4 जो है ये टाइप सी सपोर्ट नहीं कर रहा है इन केस ऑफ 14 इंच मॉडल, 16 इंच वाले मॉडल में जो है सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कनेक्टिविटी की बात करें तो वाईफाई में दोस्तों वाईफाई 6 और वाईफाई 6 का सपोर्ट यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये हो गया दोस्तों बहुत कुछ आपके 14 इंच वाले मॉडल के बारे में। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग 16 इंच वाले मॉडल में, सबसे पहले इसके जो है सीधे ग्राफिक कार्ड पे जंप कर जाओ तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा RTX 3050 भी है, लेकिन उसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है, 6 GB लैपटॉप GPU। ठीक है, तो RTX 3050 का आई थिंक ये कोई एक नया वेरिएंट है मोस्ट लाइकली, या फिर दोस्तों मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन 6 GB का इन लोगों ने जो है शायद से थोड़ा नीचे लिख दिया, बिकॉज RTX 4050 मुझे सोर्सेस के थ्रू पता चला है 6 GB वाला होने वाला है। सो मोस्ट लाइकली आई डोंट थिंक सो इट्स ए प्रिंटिंग मिस्टेक। RTX 3050 का भी जो है हो सकता है कोई बीप्ड अप वर्जन जो है यहाँ पे NVIDIA लॉन्च कर रही हो, दैट इज अबाउट टू टाइम विल टेल कि क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों LPDDR5X RAM जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है, और जो प्रोसेसर है आप लोगों को दोस्तों थोड़े HS सीरीज में इसके हायर एंड वाले, दैट मींस थोड़े हायर क्लॉक्ड वाले वो जो है वर्जन देखने को मिल जाएंगे। डिस्प्ले की तरफ सीधा जंप कर जाते हैं दोस्तों, वंस अगेन इट्स 2.5K 16:10 एस्पेक्ट रेशियो डिस्प्ले, एक ही मॉडल है यहाँ पे 120 हर्ट्ज का। बैटरी की बात करें तो दोस्तों 14 इंच वाले और 16 इंच वाले में जो है आप लोगों को सेम बैटरी देखने को यहाँ पर मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों यहाँ पे सारे स्पेसिफिकेशन सेम है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था दोस्तों पोर्ट्स में जो है एक चेंज है, एक टाइप सी पोर्ट जो है दोस्तों यहाँ पे यूएसबी 4 जनरेशन जो है आप लोगों को देखने को यहां पर मिल जाता है। तो इसका यूज करने के लिए आपके पास जो केबल है दोस्तों वो भी यूएसबी 4 वाली यहां पे होनी चाहिए, तभी जो है आप इसका फुल फ्लेज्ड यहां पे यूज कर पाएंगे। आपका क्या मानना है दोस्तों इस लैपटॉप के बारे में, मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। बात करते हैं दोस्तों यहां पे हम लोग इस लैपटॉप के प्राइसिंग को लेके, तो प्राइसिंग पे दोस्तों हम लोग यहां पे सीधा जंप कर जाते हैं। तो यहां पे दोस्तों प्राइसिंग का सिनेरियो कुछ ऐसा है, मैं ये वेबसाइट पढ़ रहा था तो यहाँ पे दोस्तों इन लोगों ने स्टार्टिंग वेरिएंट जो है फॉर दी 14 इंच मॉडल रखा हुआ है लगभग $1200 का, और दोस्तों यहाँ पे 16 इंच वाला जो मॉडल है वो मिलता है लगभग आप लोगों को $1700 का। तो डेफिनेटली इंडिया में आते आते दोस्तों इसके स्टार्टिंग वेरिएंट के प्राइसिंग लगभग आप लोगों को 80 से 90,000 रुपीज के अंदर बाहर में देखने को मिल जाएगी। नाउ यूजुअली इंडिया में देखा है दोस्तों इनकी प्राइसिंग जो है उतने ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहते, थोड़े जो है एस्केलेटेड रहते हैं एज कंपेयर टू द डॉलर प्राइसिंग।